जस्ट अभी सर्विस में देखो ये पूरा रिसीप्ट दे लोगों ने, बड़ा सा अच्छा खासा फटका हुआ है। बोला कि चारों जो टायर है वो आपको बदलना पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट सेफ फॉर यू टू ड्राइव। ओके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, ठीक है वो वीडियो आपने चेकआउट नहीं किया तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते। इस आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कार का मेंटेनेंस, कार सर्विसिंग, पिंक स्लिप, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस सब पे कितना खर्चा हो सकता है। एंड आई नो मैं ऊबर इट्स के वीडियोस में बोला है कि इट्स ऑलवेज बेटर टू ड्राइव ऑन अ कार रादर देन टू राइड ऑन अ स्कूटर बिकॉज स्कूटी डेंजरस है, यहाँ का हवा बहुत जोर की लग सकती है आपको, ठीक है। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कार का खर्चा कितना हो सकता है। एंड मैंने दो दिन पहले ही ये वीडियो शूट किया था तो पहले वो आप बैक स्टोरी जाओ एंड चेकआउट करो कि उस दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ, ठीक है। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग गाइस, आज वही दिन है जिस दिन मैं मेरा कार सर्विसिंग को दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता नहीं वो लोग एक अमाउंट मेरे को बोला है वो लोग, पर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट होएगा कि मेरे को पता नहीं, फिंगर्स क्रॉस्ड। गाड़ी सब अच्छे से स्मूथली होना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गाड़ी का खर्चा कितना हो सकता है, सर्विसिंग, अगर कुछ पार्ट्स खराब हुआ, फिर पिंक स्लिप, रजिस्ट्रेशन, सब कितना खर्चा हो सकता है, वो एक डिटेल्ड वीडियो आज हम लोग बनाने वाले, तो बने रहे वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये अपना कार यहाँ पे अपन सर्विसिंग करेंगे। A few moments later. जस्ट सुबह सुबह हम लोगों ने 8 बजे कार दिया था सर्विसिंग को, ठीक है। सर्विसिंग करने के बाद अभी हम लोग को पिंक स्लिप लेने को दूसरा गैरेज में जाना पड़ेगा। सर्विसिंग का कितना खर्चा हुआ और क्या क्या पार्ट्स चेंज करने बोला उसका पूरा डिटेल्ड एक समरी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट कार जब आप ले रहे हो तो प्लीज़ बी रेडी उस पर स्पेंड करने के लिए भी, नहीं तो फिर मतलब नहीं है। मैंने लास्ट फरवरी में कार लिया था, तब मैंने ज़्यादा कुछ सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है। पर अब भी मैं सर्विसिंग कर रहा हूँ उसका, वापस 1 साल का रजिस्ट्रेशन हो गया तो वो कर रहा हूँ, और एक एग्जॉस्ट का एक छोटा सा इशू आया था वो ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ कार प्लीज़ बी रेडी उस पर खर्चा उठाने के लिए, ठीक है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं गैरेज में, जल्दी से जल्दी जाएंगे वहाँ पे एंड देखते। सर मेरे को 2 बजे का टाइम दिया वो लोगों ने आने के लिए, 1:45 हुआ। हम लोग पहले जाएंगे गैरेज में, यहाँ पे पास में ही करके, तो उसके बाद हम लोग पिंक स्लिप लेने के लिए दूसरा गैरेज में जाएंगे जो वुलांगोंग में। सो लेट्स गो गाइस। जस्ट अभी सर्विसिंग में देखो ये पूरा रिसीप्ट दे लोगों ने, बड़ा सा अच्छा खासा फटका हुआ है, पर ठीक है साल में एक बार है तो ठीक है। अमाउंट आपको बता दो लास्ट में कितने, एक बैठ के आराम से बताऊंगा क्योंकि मेरे को अभी तुरंत गाड़ी है पिंक स्लिप का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो लेट्स गो। डेली हम एक एक लेसन सीखते हैं लाइफ में। आज का लेसन मैं सीखा है कभी भी लास्ट मोमेंट के लिए कार का रजिस्ट्रेशन रखना नहीं चाहिए। मुझे ये पता था, मेरा इतना शिफ्ट्स में बिजी हूँ, मैं इतना काम पे बिजी हूँ कि मैं रजिस्ट्रेशन मेरा फ्राइडे ख़त्म हो रहा और आज वेनसडे, और अभी मुझे बोल रहे हैं ये लोग कि चारों टायर हटाने का और ब्रेक राइट भी नहीं है। अभी पता नहीं कितना का फटका होने वाला है यार मेरा। टायर कुछ सीन है बोल रहे लोग, टायर का ये टायर वो टायर, चारों टायर हटाना पड़ेगा, राइट साइड का ब्रेक लाइट नहीं चल रहा है। गाइस मेरे को रजिस्ट्रेशन मिला नहीं क्योंकि कार का चारों टायर बदलना है। एंड सीन ये कि ये संडे मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं 5 दिन के लिए यहाँ पे है ही नहीं, तो सब साथ में हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि फ्राइडे शिफ्ट के बाद, नाइट शिफ्ट है मेरा फ्राइडे को, उसके बाद डायरेक्ट गैरेज जाऊँगा, टायर चेंज करूँगा, रजिस्ट्रेशन करके फिर सैटरडे तक सब रेडी होना चाहिए और संडे में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो सब साथ में हो गया। पर देखते अभी खर्चा कितना आएगा, फटका तो लगा है बहुत गंदा वाला। The next day. So guys, this is the next day. मैं यहाँ पे वापस आ गया, पीछे मेरा कार यहाँ पे है। एंड मेरे को आज मालूम पड़ा कि मेरा रेजो आज 1 फरवरी को ख़त्म हो रहा है, नहीं मेरे को लगा 2 फरवरी को ख़त्म हो रहा है, पर आज 1 फरवरी को ख़त्म हो रहा है और मेरे को सुबह 3 बजे शिफ्ट है। सो आई कॉन्ट ड्राइव द कार विदाउट द पिंक स्लिप एंड विदाउट द रजिस्ट्रेशन। एंड अगर पुलिस पकड़ो तो बहुत बड़ा सीन होएगा, फाइन होएगा, वो सब झंझट में नहीं पड़ना है मेरे को। तो अब भी जल्दी से जल्दी टायर बदल रहे हम लोग, पिंक स्लिप मिलेगा शाम को शिफ्ट से आने के बाद, वो पूरा पिंक स्लिप ग्रीन स्लिप सब लेना पड़ेगा और उसके बाद सो के वापस सुबह 3 बजे जाने के, तो पूरा फिक्स कर देंगे आज। वैसे देखो टायर पूरा निकाला, इसको पूरा नीचे टायर निकाला ये लोग ना, ये गाड़ी का हालत। टायर तो भाई बिल्कुल सेफ नहीं है ड्राइव करने को, अच्छा क्या पिंक स्लिप के टाइम पे दिखा सकते हो टायर का सीन क्या है। अपना नया टायर तो आपने देख लिया कि मेरे साथ 2-3 दिन पहले क्या क्या हो गया था, ठीक है। मैंने वो छोटा सा एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैं सर्विसिंग करने गया था, ठीक है। तो मैं पहले बताता हूँ कि सीन क्या है। मेरा
डैशबोर्ड में एक लाइट आ रहा था, ठीक है। वो लाइट मैंने जब ठीक करने गया तो वो लोगों ने बोला कि वो एक ऑटो सेंसर का एक डिफेक्ट है, आपको ऑटो सेंसर बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ऑटो सेंसर बदला, उसके बाद मैंने कार सर्विसिंग किया, ठीक है। उसके बाद मैंने पिंक स्लिप लिया एंड उसके बाद मैंने रजिस्ट्रेशन भरा और मैंने थर्ड पार्टी CTP इंश्योरेंस, जो कंपलसरी इंश्योरेंस है NSW स्टेट में, वो लेना ही पड़ेगा आपको, वो मैंने लिया, ठीक है। वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करेगा, NSW स्टेट में CTP इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन एवरीथिंग इज कंपलसरी, ठीक है। तो ये एक समरी मैं आपको देने वाला हूँ अभी, कितना खर्च होगा, कितना फटका मेरे को पड़ा। एंड गाइस ऑलवेज मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू हैव अ कार यू हैव टू कीप सम सेविंग्स इन योर अकाउंट, क्योंकि कार इज ऑल्सो अ मशीन, ठीक है। कुछ भी डिफेक्ट्स हो सकता है, मान बड़ा हाईवे में चला रहे हो, टायर पंचर हुआ तो टो करके गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, तो उसका खर्चा हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव इनफ सेविंग्स इन योर अकाउंट, ठीक है। लास्ट मोमेंट के लिए कुछ रखना मत। एंड थैंक गॉड मैंने सेविंग्स रखा था, ठीक है, अच्छा खासा सेविंग्स रखा था, क्योंकि मेरे को पता है कि रजिस्ट्रेशन के पहले कुछ ना कुछ हो सकता है डिफेक्ट। तो मैंने सबसे पहले ऑटो सेंसर बदला, उसका मेरे को फटका पड़ा $320, ठीक है। उसके बाद सर्विसिंग किया हम लोग ने, ठीक है। मेरा सर्विसिंग एक्चुअली बहुत पहले कर रहा था और मैंने नहीं किया क्योंकि थोड़ा सेविंग्स कर रहा था मैं, तो सर्विसिंग का पड़ा $260, ठीक है। इधर ही हो गया 500 क्रॉस हो गया, ओके। उसके बाद जब मैं पिंक स्लिप लेने गया तो मेरे को बोला कि चारों जो टायर है वो आपको बदलना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट सेफ फॉर यू टू ड्राइव, ओके। वो चारों टायर मेरे को बदलने के लिए वो लोगों ने बोला, ठीक है। पिंक स्लिप ये चीज़ है कि आप पिंक स्लिप जो आपको लेना है वो आपको एक गैरेज में जाके लेना पड़ेगा, ठीक है। गैरेज वाले बोलेंगे कि ओके आपका सीट बेल्ट खराब है, आपका ब्रेक लाइट खराब है, आपका टायर खराब है, तो वो सब चेंज करने के बाद अगर आपका गाड़ी सेफ है रोड में चलाने के लिए, देन ओनली दे विल अप्रूव यू एंड यू कैन गेट योर पिंक स्लिप, देन यू कैन डू योर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ऐसा सीन। तो मैं जब पिंक स्लिप लेने गैरेज में गया तो मेरे को बोला कि आपका पीछे का ब्रेक लाइट नहीं चल रहा है, तो मेरे पास उसका ऑलरेडी एक बल्ब था तो वो फिक्स हो गया था, तो उसका कुछ पैसा लिया नहीं, थैंक गॉड। फिर मेरे को बोला कि चारों टायर आपको बदलना है, ठीक है। मैं बोला ओके चारों टायर बदलते, और जब जैसे उन्होंने टायर निकाला उन्होंने दिखाया कि ऐसा लाइन आपने वीडियो में देखा रहेगा टायर का सीन, तो वो चारों टायर बदलने को मेरे को बोला कि एक टायर का लगेगा $120, चार टायर का लगा $480, हाँ $480 का फटका लगा, ठीक है। तो इधर ही मेरा ऑलमोस्ट 900 क्रॉस हो गया। एंड उसके बाद पिंक स्लिप का $46 रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो $1000 पकड़ लो आप, इधर ही मेरा फटका लग गया। उसके बाद हाथ है हम लोग रजिस्ट्रेशन में, तो मैं हमेशा एक साल का रजिस्ट्रेशन लेता हूँ, मेरे को वो तीन महीना छः महीना, अगर मैं 3 महीने का रजिस्ट्रेशन लिया तो मेरे को 3 महीने का इंश्योरेंस मिलेगा, अगर मैं 6 महीने का रजिस्ट्रेशन लिया तो मेरे को 6 महीने का इंश्योरेंस मिलेगा। तो मेरे को झंझट में वापस पटने का नहीं था, और मेरे को यही डर था कि अगला पिंक स्लिप अगर मेरा एक्सपायर हुआ फिर तभी भी कुछ चेंज करने बोलेगा तो और एक फटका लग सकता है मेरे को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया एक साल का रजिस्ट्रेशन, तो एंड रजिस्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन कार टू कार, अभी मेरा कार जो है वो अलग रजिस्ट्रेशन का अमाउंट हो सकता है, दूसरा लोग का कार अलग अमाउंट, टोयोटा का कार हो गया, हुंडई का कार हो गया, उनका अलग अमाउंट हो सकता है, ठीक है। तो मेरा कार का रजिस्ट्रेशन कुछ तो $420 कुछ तो लगा, ठीक है, तो वो हो गया $1400। एंड देन मेरे को इंश्योरेंस लेने का था CTP कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ठीक है, फुल फॉर्म राइट, आई होप इट्स राइट, ठीक है। तो वो लेने के लिए एक्चुअली मेरे को ना वो $600 ना मेरा माइंड में आया नहीं, मेरा भाई से मैं बात कर रहा था, भाई ने बोला ये बोल तेरे को पता है ना इंश्योरेंस भी लेने का, मैं बोला इंश्योरेंस शिट, ऐसा मेरा ऐसा एक रिएक्शन था। तो मैं 2 मिनट के लिए फोन में भाई से बात कर रहा था, मैं एकदम साइलेंट हो गया, मैं 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस हो गया मेरा, क्योंकि आई इज लाइक अरे $1400 ठीक है, मेरे पास उतना सेविंग्स था क्योंकि अभी वैकेशन है, फीस के लिए भी सेव कर रहे हैं हम लोग। तो तब आई वॉज लाइक अरे यार इंश्योरेंस मैं भूल गया, तो इंश्योरेंस का मेरे को लगा वो भी एक साल का लिया मैंने $620, तो ओवरऑल मेरे को फटका पड़ा $2000 का, ठीक है। तो ये था कुछ मेरा एक्सपीरियंस। एंड इफ यू गाइस आर नॉट सेविंग, थैंक गॉड मेरे पास सेविंग्स था, ठीक है, नहीं तो फिर भाई से किसी से या फिर किसी से उधारी लेना पड़ता था, मैं वापस रिटर्न कर रहा था, बट थैंक गॉड मैं किसी से उधारी नहीं लिया, मैंने खुद मेरा सेविंग्स से मैंने खर्चा नहीं करा, थोड़ा फीस का इसमें वापस कम हो गया, पर हम लोग वापस और मेहनत करेंगे और शिफ्ट्स करेंगे, अभी भी February 26th को यूनी चालू हो रहा है, ठीक है, तो और 3 हफ्ते है हम लोग काम कर सकते हैं। तो मेक श्योर दैट जब भी आप कार ले रहे हो मेंटली प्रिपेयर रहे हो थोड़ा खर्चा उठाने के लिए। स्कूटी में कैसे है, फुल टैंक आपका $7-$8 में प्रीमियम 98 का फ्यूल बस है, आपको समझ रहे नहीं प्रीमियम 98 क्या है, यहाँ पे अनलीडेड पेट्रोल
95, 98 और एक इथेनॉल 94 हो सकता है, ठीक है, ऐसा पेट्रोल से चार टाइप का, वो डिपेंड करेगा कार टू कार। अभी ऑडी जैसे कार हो गया तो आप 98 एकदम हाई लेवल फ्यूल भर सकते हो, नॉर्मल यारिस जैसे कार हो तो आप 91, 94, 95 कुछ भी भर सकते हो। तो मैं मेरा कार में यूजुअली कभी कभी 95, 98 ऐसा भरता हूँ, ठीक है। बट स्कूटी में फुल टैंक आपका $8 में होता है, कार में फुल टैंक मिनिमम $50, $60, डिपेंड्स आपका कार का कितना पेट्रोल कम रहेगा। मैं $20-$30 भरता हूँ, फिर कभी 50-60 डिपेंड्स ऑन द प्राइस। और फ्यूल का प्राइसेस इतना हाई है अभी NSW में, पूछो मत, बहुत हाई प्राइसेस है, ठीक है। तो यही मेरे को थोड़ा आपको एक आई ओपनर देने का था कि कितना खर्चा हो सकता है, जैसे आप कार ले रहे हो या फिर आपका आपको लग रहा है कार लेके हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, पिंक स्लिप, ये सिर्फ मैं NSW स्टेट के हिसाब से मैं मेरा एक ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है। स्टेट टू स्टेट डिपेंड करेगा, सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव इनफ सेविंग्स। एंड अगर आपके पास सेविंग्स है तो ही कार लेना, तब तक आप स्कूटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब मैनेज कर लेना, ठीक है। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो अगर आप नहीं हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। I hope to see you guys very soon in the next video. Until then, take care, stay safe, bye bye. ठीक है, और एक चीज ऑल्सो आपने एक चीज नोटिस किया रहेगा, ये अपना यूजुअल बैकग्राउंड नहीं है जिधर हम अपने रूम में बैठ के शूट करते हैं या फिर बाहर शूट करते हैं, ये कुछ और बैकग्राउंड है। इसका रीजन क्या है, हम किधर है, उसका अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जो भी इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो किया उनको पता ही है कि मैं ऑलरेडी किधर हूँ, क्या आया हूँ, कि मैंने मेरा घर बदला है कि नहीं, आपको ऑलरेडी अपडेट मिला रहेगा, ठीक है। अगर आपको स्नीक पीक चाहिए, अगर आपको अपडेट्स जल्दी चाहिए, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो, लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आई होप टू सी यू गाइस वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, शेयर, बाय बाय। आने वाले वीडियोस बहुत ही मजेदार वीडियोस होने वाला है, ठीक है, सी या बाय।